अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एमएस फ्रंट पेज, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। इसके वर्जन्स पहले भी आते रहे हैं। फ्रंट पेज 98 आया हुआ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 98 ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर 2000 में आया हुआ है, उसके बाद फिर 2003 में आया है। तो ये लास्ट है जो कि 2003 में है। इसके बाद एमएस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो यह फ्रंट पेज बेसिकली क्या चीज़ है? एक वेब एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि हम लोग सिर्फ इसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने आज देखना है कि एक्चुअली फ्रंट पेज क्या होता है और इस पर किस तरह हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का। एप्लीकेशन यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। इस एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकें, मतलब एक पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें, इसलिए एमएस फ्रंट पेज को यूज़ किया जाता है। वेब पेजेस एक्चुअली क्या है कि पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट वेब पेजेस से मिलके बनी होती है। मतलब तीन या चार वेब पेजेस मिलके क्या बना देंगे? एक वेबसाइट बना देंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एमएस फ्रंट पेज को यूज़ करते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिवेल्प बाई विमर टेक्नोलॉजीज एंड लेटर माइक्रोसॉफ्ट टुक द कंट्रोल ऑफ द फ्रंट पेज। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था विमर टेक्नोलॉजीज ने, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अच्छे वर्जन भी इसके इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि प्रीवियस वर्जन से काफ़ी बेटर थे और उसके अंदर काफ़ी अच्छी चेंजिंग भी लेके आए थे। फ्रंट पेज यूज टू डिजाइन वेब पेजेज विदाउट रिमेम्बरिंग द अलॉट ऑफ HTML कमांड्स। फ्रंट पेज क्या करता है कि वेब पेजेस को क्रिएट करता है बगैर कोई HTML की कमांड्स को याद रखे हुए। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बेसिकली कंटेंट को शो करवाने के लिए यूज की जाती है। कंटेंट क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, प्लस इमेजेस भी हो सकती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इसके अंदर हम लोग डिफरेंट कमांड्स के साथ काम करते हैं। पैराग्राफ ऐड करना है तो कौन से टैग्स को यूज किया जाएगा, हेडर ऐड करना है तो कौन से टैग्स को यूज किया जाएगा, फिर हाइपर लिंक्स लगाने हैं तो किस टैग को यूज किया जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज के अंदर काम करते हुए हम लोगों को वो सारी कमांड्स याद नहीं रखनी पड़ती जो HTML के अंदर याद करनी पड़ती है। इट ऑल्सो सपोर्ट कैस्केडिंग स्टाइल शीट टू डिजाइन थिंग्स ऑन द वेब पेज। ये CSS को भी सपोर्ट करता है। CSS क्या है? स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है। HTML और CSS इकट्ठी काम करती हैं। HTML में सिर्फ हम लोग कंटेंट को शो कराते हैं कि जो चीज़ें आपने देनी है, कौन सी इमेजेस देनी है, कौन सा टेक्स्ट देना है, कौन से पैराग्राफ देने हैं, आपने वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में दे दिए। अब उनके ऊपर स्टाइलिंग किस तरह लगनी है, कौन से पैराग्राफ को कौन सा कलर देना है, इमेज को सेंटर में रखना है, राइट लेफ्ट किस तरह उसको सेट करना है, तो ये सारा काम किसने करना है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट ने करना है। तो सारी स्टाइलिंग कलरिंग ये कौन करती है? CSS करती है। और बेसिकली कंटेंट को कौन शो कराती है? HTML कराती है। तो जो फ्रंट पेज है ये HTML को भी सपोर्ट करता है और CSS को भी सपोर्ट करता है। फ्रंट पेज इज बेस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल वेबसाइट। इसको स्मॉल वेबसाइट्स बनाने के लिए बेटर समझा जाता है एज कम्पेयर टू लार्ज वेबसाइट, क्योंकि लार्ज वेबसाइट में जो वेब डेवलपर्स हैं वो इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट कोड आ जाता है जो कि W3 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता। अब W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब, थ्री दफा W आया और उसके बाद C आया, तो उसका कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो के सारे वेब के ऊपर जितना भी हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है उसको मैनेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करती है कि हमारा WWW के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उन सारों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लेके चलती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम लोग लार्ज वेबसाइट्स में
फ्रंट पेज को यूज करते हैं और उनको बनाते हैं लार्ज वेबसाइट्स को, तो वो W3C इसको सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए इसको सिर्फ स्मॉल वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका प्रीव्यू। अगर हम लोग HTML फ्रंट पेज माइक्रोसॉफ्ट 2003 इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रीव्यू नजर आएगा। आप लोग इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप एमएस ऑफिस 2003 यूज कर रहे हो तो ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगा। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा प्रीव्यू आ गया, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप पे ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है, जिसके अंदर एक्चुअली हमारा जो है वेबसाइट का नेम होता है और उसका पाथ बताया गया होता है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है मेन्यू बार, देन हमारे पास आ जाती है टूल बार, और फिर हमारे पास आ जाती है फॉर्मेटिंग बार। तो ये सारी बार्स यूज की जाती हैं जब हम लोग वेबसाइट को बनाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है पूरे का पूरा एरिया जिसके अंदर हमने काम करना होता है। देन हमारे पास यहाँ पे बॉटम में कुछ चीजें आ गई हैं, फोल्डर्स आ गए हैं, रिमोट वेबसाइट्स आ गई हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, नेविगेशन, हाइपरलिंक्स और टास्क वगैरह आ गए। न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू मीन्स कि आपने कोई नई वेबसाइट बनानी है तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो अपियर हो जाएगी। इसमें आपने ओपन वन पेज वेबसाइट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास ये विंडो अपियर होगी। इस विंडो में क्या होता है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आप वन पेज वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए बनाना चाह रहे हो, ये डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स दे दिए गए हैं। तो अगर हम लोग पर्सनल वेबसाइट बना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पर्सनल वेबसाइट बन जाएगी, जिसके अंदर अबाउट होगा, आपके बारे में होगा, आपकी जो जॉब है उसके बारे में डाटा होगा, तो वो ये आपके अबाउट डाटा बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ वन पेज वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें सिर्फ एक पेज क्रिएट होगा, ज़्यादा पेजेस क्रिएट नहीं होंगे। अब जब भी हम लोग किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे राइट साइड पे शो कर दी जाती है, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट विद अ सिंगल ब्लैंक पेज, कि इसमें क्या होगा कि एक वेबसाइट बनेगी जिसमें एक सिंगल पेज होगा। हम लोग इसको यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं कि एक्चुअली आप इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप के अंदर कहाँ रखना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में, माई कंप्यूटर के अंदर, या जहाँ भी आप लोग रखना चाह रहे हो। देन हम लोग इसको क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेजेस प्लेस हो जाएंगे। ये हमारी मेन वेबसाइट होगी index.htm। अब जब मैंने index.htm के ऊपर क्लिक किया है, htm means hyper text mark mark stm भी हो सकती है और html भी इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, तो ये शो कराती है कि एक्चुअली एक वेबसाइट है। तो हमारे पास ये प्रीव्यू आएगा, इसके अंदर हमारे पास बॉटम में ये एक स्टेटस बार है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले डिजाइन व्यू आ जाता है। डिजाइन में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप वेबसाइट आपने बनाई होती है उसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह आपने ऐड करनी है, कोई वीडियो ऐड करनी है, तो वो आप डिजाइन व्यू से उन चीजों को ऐड करोगे। उसके बाद स्प्लिट आ जाता है, स्प्लिट का मतलब होता है कि एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना। तो स्प्लिट में क्या होगा, हमारे पास डिजाइन व्यू होगा और HTML का कोड होगा, ये कि हाफ स्क्रीन पे हमारा डिजाइन शो हो रहा है और हाफ में हमारी HTML शो हो रही है, तो ये हमारी स्प्लिट है। थर्ड वन इज द कोड, कोड में सिर्फ हमारा HTML का कोड शो किया जाएगा। प्रीव्यू, प्रीव्यू यूज किया जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट को देखना है कि एक्चुअली वो किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर किस तरह की डिस्प्ले होती है, किस तरह की शो होती है। तो अगर आपके ऑलरेडी जो है उसका डिफॉल्ट ब्राउजर इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट एज जिसका पुराना नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो उसके ऊपर आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। या आपका क्रोम इंस्टॉल है तो अगर आपने उसको डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया हुआ है तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपको वहां पे शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन जो HTML का कोड है, वो हमारे पास ये लिखा आ जाता है। अब इसके अंदर हमें बॉडी के अंदर सारा काम करना होता है कि जो भी टैग्स, पैराग्राफ्स लगाने हैं, जो भी हेडर लगाने हैं, जो भी आपने इमेजेस लगानी है, जो भी आपने कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर हम लोग
इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो ये हमारा सारे का सारा एरिया क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग मेन काम कर रहे होते हैं। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सेव का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। और इसका अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दी फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम ऑलरेडी एग्जिस्ट, टू यू वांट टू रिप्लेस दी एग्जिस्टिंग फाइल। तो इसमें हमारे पास क्या था, ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, तो हम लोग इसको या तो रिप्लेस कर देंगे पुरानी फाइल के साथ, या फिर कोई इसका न्यू नाम रख देंगे ताकि हमारे पास पुरानी साइट भी रहे और न्यू साइट भी रहे। फिर हम लोग यस करके सेव के ऊपर क्लिक, जो मेन हमारे पास फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन सब साइट। सब साइट का मीन कि एक ही साइट है, उसके अंदर आप एक और मजीद साइट ऐड करना चाह रहे हो तो सब साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी एक और साइट बन जाएगी पुरानी साइट के साथ। तो एक से ज्यादा वेब पेजेस जब हमने ऐड करने होते हैं तो हम लोग इसी तरह डिफरेंट वेब पेजेस को ऐड करते रहते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी की सारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट वेब पेजेस से मिलकर क्रिएट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज को किस तरह यूज़ किया जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रंट पेज को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया 2003 के बाद। तो 2003 के बाद इसको रिप्लेस किया गया था एमएस ऑफिस 2007 में, इसके साथ किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के साथ। इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया था एमएस एक्सप्रेशन वेब के साथ। लेकिन उसके बाद इसको भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें HTML5, एजेक्स, बूटस्ट्रैप चल रही है, जिसके अंदर कोडिंग करना डेवलपर्स को ज्यादा आसान लगता है और मोस्टली लार्ज वेबसाइट्स में भी उन्हीं को यूज किया जाता है और फ्रंट एंड को इजीली क्रिएट कर लिया जाता है। और ये W3C भी इसको सही मानती है, इसको सपोर्ट करती है, तो इसलिए मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो इन सब को फ्रंट पेज वगैरह को यूज करने के बजाय वो HTML5 और फ्रंट बूटस्ट्रैप या एजेक्स को यूज कर रहे हैं।